रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। अभी तक हमने जो पढ़ा दैट वॉज रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस, यानी एक प्लेन सरफेस दो डिफरेंट मीडियम को डिवाइड कर रही थी, रेयर डेंसर मीडियम को। नाउ द सरफेस डिवाइडिंग द टू मीडियम इज स्फेरिकल सरफेस, राइट। सरफेस डिवाइडिंग टू मीडियम इज स्फेरिकल सरफेस, इट इज लाइक दिस। इसके सारे पैरामीटर्स वही मिरर टाइप के होते हैं, लाइक दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपर्चर, ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस फोकस नहीं होता। जो भी पैरामीटर से सब मिरर की तरह, सिर्फ फोकस नहीं होता इसमें, ओके। टोटल फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं, इस साइड डेंसर, इस साइड रेयर, इस साइड रेयर, इस साइड डेंसर, एक हो गया। देन सरफेस ऐसे या ऐसे, हम ऑब्जेक्ट किस साइड लेते हैं उससे डिफाइन होता है सरफेस कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। अगर हमने ऑब्जेक्ट इस साइड लिया तो कॉन्वेक्स सरफेस, ऑब्जेक्ट इस साइड लेते तो ये सेम सरफेस कॉनकेव हो जाती है। तो या तो सरफेस कॉन्वेक्स होगी या कॉनकेव होगी, दैट इज वन पैरामीटर। एक साइड ऑब्जेक्ट या तो डेंसर मीडियम में होगा या रेयर मीडियम में होगा, दैट्स अनदर पैरामीटर। तो टोटल फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट पोजिशन होती है उसको यू, जो इमेज पोजिशन होती है वी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इन एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन या एनी ऑफ द सिचुएशन द रिलेशन विच कम्स आउट इज माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। म्यू वन इज मीडियम ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, दैट मीडियम ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है, ठीक है। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है अबाउट द स्फेरिकल सरफेस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ अजम्पशंस हम लेते हैं इसमें, ये कौन सी है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये मीडियम म्यू वन, ये म्यू टू, म्यू वन म्यू टू, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, समथिंग लाइक दैट। First, object is point object, यानी इसमें हम other than point object काम नहीं करते, extended object के लिए काम नहीं करते, ठीक है, सिर्फ point object के लिए काम करते हैं। Aperture is small. So all angle कौन से I incidence refraction are small, तो सारे angles भी small है, ठीक है। Small aperture है तो जितने भी angle होंगे, angle of incidence, angle of refraction, वो सब small होंगे। साइन कन्वेंशन, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सेम एज मिरर।
राइट, जो हम लेंसेज यूज करते हैं वो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, तो ये उसका बेसिक है, ठीक है। यानी थ्रू दिस वी रीच टू लेंस। लेंस में दो सरफेस होती है, लाइक दिस इज लेंस, लाइक दिस एक ये सरफेस, फिर ये एक, और ये दोनों स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस एक बार रिफ्रैक्शन होता है, लेंस मींस दो बार रिफ्रैक्शन होता है, पहले पहली सरफेस से फिर दूसरी सरफेस से। ठीक है, नाउ ये हमें रिलेशन डिराइव करना है, तो आई विल टेल यू द मेथड हाउ टू डू दैट, क्योंकि किसी भी कॉम्बिनेशन में करने को हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सी, सी से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, दिस इज नॉर्मल, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन सरफेस पे जाएगी वो नॉर्मल ही होगा, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये पोल हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी कंसीडर करो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी, अगर सरफेस नहीं होती तो ये ऐसे सीधी चली जाती है। ठीक है, इफ वी टेक दिस रेयर और वी टेक दिस डेंसर, देन इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये अभी होएगी, अभी तो इन ड्रॉ की, अगर ये सीधी चली जाती है ऐसे, बट बिकॉज यहां पे क्या है, मीडियम चेंज हो गया, तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ऊपर, ऊपर तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। राइट, एंड दिस विल बी इमेज, ये पोजीशन ऑफ इमेज है। ठीक है, नहीं ये लाइट रे हमारी ऐसे गई और ये इस तरह से बैंड हो गए। ठीक है, एंड ये इमेज फॉर्म हो गई। एक यहां पे ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, राइट, एंड सिंपली मार्क कर दो ये U, ये V और ये R, राइट। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट। ये ऑब्जेक्ट में इधर लेता तो कुछ और डायग्राम होता, ऑब्जेक्ट को सी के इधर लिया तो ये डायग्राम बना, ऑब्जेक्ट को इधर लेता तो कुछ और डायग्राम होता। ठीक है, मैंने आपको मिरर फॉर्मूला के लिए बताया था तरीका। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है, वो फॉलो करोगे हर एक सिचुएशन में हो जाएगा। इन ऑल यू विल ऑलवेज गेट थ्री लाइन्स, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल। अब ये रिफ्रैक्टेड रे इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इंसिडेंट रे यहीं पे होगा, नॉर्मल डिपेंड करेगा सेंटर इधर है तो इधर हो जाएगा, वो जो भी सिचुएशन होगी उसमें। देन इन तीन लाइन के तीन डिफरेंट एंगल, अल्फा बीटा गामा, ओके, एंड मार्क द एंगल आई और आर, राइट। ये तीन एंगल अल्फा बीटा गामा,
आई और आर मार्क करो, आई इज इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, ये पूरा आई, एंड आर इज विद रिफ्रैक्टेड रे, ये आर, ठीक है, इतना कर लोगे, ये डायग्राम हो गया। उसके बाद व्हाट टू डू, आई और आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है, आई और आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बचपन वाली ज्योमेट्री यूज करके। बोलो आई इज इक्वल टू, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, राइट। देन स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ओके, सारे एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, सो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, आई को रिप्लेस कर दो, म्यू वन गामा माइनस अल्फा, म्यू टू गामा माइनस बीटा, फिर एंगल को 10 ले लो, गामा को 10 गामा लेके वैल्यू डालो, तो उधर से देखो 10 गामा कितना, म्यू वन एन एम अपॉन एम सी माइनस एन एम अपॉन एम ओ, एन एम अपॉन एम सी माइनस एन एम अपॉन एम आई, एन एम कैंसिल, राइट। स्मॉल अपर्चर है, सो एम क्लोज टू पी, एम पी के क्लोज है तो एम को पी से रिप्लेस कर दो, सो दिस विल बी म्यू वन अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी ओ म्यू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई, सारे के सारे इसमें लेफ्ट साइड है तो सब नेगेटिव, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, सब लेफ्ट साइड है तो सारे नेगेटिव, तो म्यू वन माइनस आर माइनस म्यू वन माइनस यू म्यू टू माइनस आर म्यू टू माइनस वी, ठीक है, आर वाले एक साइड कर दो बाकी एक साइड कर दो, तो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, एंड डन, राइट। हर एक केस में ऐसे ही करना है, सिंपल तरीका है, तीन लाइनें तीन एंगल, आई आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करो, स्नेल्स लॉ लगाओ, आई आर को चेंज करो, वैल्यूज डालो, अपने आप डेराइव हो जाएगा। साइन प्रॉपर यूज करना, साइन प्रॉपर यूज करोगे तो हमेशा यही आएगा। लेंसेस, लेंसेस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, ठीक है, किसी भी लेंस में दो सरफेस होती है। लेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस ज्योमेट्रिकली
थिक एट मिडल, बीच से मोटे होते हैं, एंड थिन एट एंड, और किनारों पे पतले होते हैं। अगर हमें कोई लेंस वैसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा हो तो सिंपली बाय द टच कॉर्नर से सेंटर की तरफ को चलो, अगर किनारे पे पतला है और सेंटर पे मोटा है तो देन इट इज़ कॉन्वेक्स, और रिवर्स है, किनारों पे मोटा है बीच में पतला है तो देन इट इज़ कॉनकेव। तीन डिफरेंट फॉर्मेट में होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक दो एंड तीन। दिस इज कॉल्ड बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स मतलब दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है, इसको बाइकॉन्वेक्स भी बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। दिस इज प्लैनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस कॉन्वेक्स। दिस इज कॉन्केवो कॉन्वेक्सो, एक सरफेस कॉन्केव, एक सरफेस कॉन्वेक्स। बिकॉज देयर आर टू सरफेसेस तो फर्स्ट सरफेस वो होती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा हमेशा उसको हम फर्स्ट सरफेस बोलेंगे। हम यूजुअली ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट लेफ्ट। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लिया तो फर्स्ट सरफेस लेफ्ट वाली हो गई और सेकंड सरफेस राइट वाली हो गई। सो आर वन, ये आर वन एंड ये पॉजिटिव, ये आर टू और ये नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, है ना, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसमें पॉजिटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा, है ना। देन इन दिस केस आर वन पॉजिटिव एंड आर टू इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। इसमें दोनों ही सरफेस पॉजिटिव, आर वन आर टू दोनों पॉजिटिव, बट आर टू ग्रेटर देन आर वन, यानी आर टू आर वन से बड़ा होगा। ओके, ये हो गया कॉन्वेक्स। देन सिमिलरली तीन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्केव लेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, थिन एट मिडल, थिक एट एंड्स। जो लोग भी चश्मा लगाते हैं उनका लेंस कॉन्केव होता है, और कॉन्केव में भी वो इस टाइप का कॉन्केव होता है। इसको बोलते हैं बाई कॉन्केव, इसको बोलते हैं प्लैनो कॉन्केव। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केवो। तो स्पैक्स जो लोग लगाते हैं वो ये वाला लेंस होता है, कॉर्नर से मोटा बीच में से पतला। एंड द सेम थिंग, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखें तो द लेफ्ट सरफेस विल बी द फर्स्ट सरफेस। अब इस केस में आर वन नेगेटिव, आर टू पॉजिटिव,
क्योंकि कॉन्वेक्स का उल्टा होता है, आर वन नेगेटिव आर टू इनफाइनाइट, बोथ आर वन आर टू पॉजिटिव बट आर टू लेस देन आर वन, ये डिफरेंस होता है। कॉन्वेक्स है तो आर टू ग्रेटर देन आर वन होगा, और कॉन्केव है तो आर टू लेस देन आर वन होगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट? This formula relate focal length and radius of curvature ये formula क्या है? लेंस की फोकल लेंथ और लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करता है, ठीक है? इट इज यूज्ड बाय लेंस मेकर्स, इसलिए इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, जो लेंस मेकर्स होते हैं उनको यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, राइट? अ लेंस कंसिस्ट टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एक लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होती है and image is formed after consecutive refraction from both surfaces. Right? Consider a lens of refractive index mu L placed in medium of refractive index mu s as shown. एक लेंस कोई भी ले लो, doesn't matter, convex, concave, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर, जो भी डिस्टेंसेस होते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट रे गई, ऐसे बैंड हुई और फिर ऐसे बैंड हुई, एंड ये इमेज, ठीक है? बट सोचो, अगर सेकेंड सरफेस ना होती तुम इतनी जल्दी जल्दी बनाने को कहा किसने? मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होती तो ये लाइट रे सीधी जाती और यहाँ पे एक इमेज बनती, ठीक है? अगर सेकेंड सरफेस ना होती, सिर्फ एक ही सरफेस होती, अरे वो
हाँ कौन सा आई? हाँ सिर्फ एक सरफेस है तो ये रिफ्रैक्शन ऐसे होगा राइट। ये मीडियम म्यू वन, ये मीडियम म्यू एस है ना, और ये मीडियम म्यू एल, म्यू एल लेंस है ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस सराउंडिंग, म्यू एल लेंस, म्यू फॉर लेंस, म्यू एस म्यू फॉर सराउंडिंग ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, ये इमेज डिस्टेंस वी वन, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन। तो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। अब म्यू वन क्या है? सराउंडिंग वाला, और म्यू टू क्या है? लेंस वाला। तो ये हो गया म्यू एस म्यू एल, म्यू एल म्यू एस ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया, बट बिकॉज देयर इज सेकेंड सरफेस, तो लाइट रे वहां तो जाएगी नहीं, क्या होगा? ये ऐसे बैंड हो जाएगी और इमेज एक्चुअली यहां बनेगी। ये कब था? अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता ठीक है। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट सरफेस की इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी राइट। तो इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस act as object for second surface, right? अब सिर्फ second surface को देखो, पहले सिर्फ first surface को देख रहे थे, अब सिर्फ second surface को देखो। light कौन से कहां से कहां जा रही है? lens से हवा में, light lens से हवा में जा रही है, तो उल्टा हो जाएगा। पहले जो सराउंडिंग था वो अब लेंस हो गया, और जो लेंस था वो सराउंडिंग हो गया, उल्टा हो गया ना। पहले लाइट कहाँ जा रही थी? एयर से लेंस में, फर्स्ट सरफेस पे, और सेकंड सरफेस पे लाइट कहाँ जा रही है? लेंस से एयर में। तो सेकंड सरफेस पे ये होगा माइनस म्यू एल अपॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है? वी वन, क्योंकि जो फर्स्ट सर्फेस की इमेज है वो सेकेंड सर्फेस का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? V1 प्लस म्यू एस अपॉन, ये फाइनल इमेज हुई, ये V ले लो। तो हाँ, तो U की जगह V1 ले रहे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस I1 इमेज फॉर द फर्स्ट सरफेस एंड I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ? वी वन हुआ, और इमेज का डिस्टेंस वी। सर जो सेकेंड लेंस का डिफ्रैक्शन वो किस साइड से हो रहा है? अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट इतना छापो फिर मैं समझाता हूँ राइट। देखो ये हमारा लेंस है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का, एंड ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2 और ये C,
ठीक है, दो सरफेस हो गई पी वन पी टू सी। लेंस बहुत पतला होता है तो तीनों पॉइंट को सेम मान सकते हैं, लेंस थिन होता है ना, तो ये तीनों पॉइंट का सेम होते हैं। तो हम पी वन से मेजर करें, सी से मेजर करें या पी टू से मेजर करें, इट इज सेम थिंग। इतना समझ में आया? अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया जिसको हम बोलेंगे u। यहाँ पे हवा है या सराउंडिंग है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग हो गई, ये लेंस है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हो गई। ये लाइट रे ऐसे जाएगी और अब सोचो सेकेंड सरफेस है ही नहीं, सोचो तो ये लाइट रे ऐसे जाके यहाँ पे एक इमेज बना देगी आई वन, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इसको आर वन, और ये वी वन। समझ में आया? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सेकंड सरफेस है ही नहीं है, सोचो अभी ये सोचो सेकंड सरफेस है ही नहीं तो फिर बिना रिफ्रैक्ट ही जाएगी ना। ओके सो नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट सरफेस, राइट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो इमेज हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यू वी आर सब आ गए, राइट। वो हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो माइनस म्यू एस अपॉन यू प्लस म्यू एल अपॉन वी वन इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन आर वन, ये आ गया, राइट। अब फर्स्ट सरफेस को भूल जाओ, फर्स्ट सरफेस एग्जिस्ट करती है। अब सोचो सेकंड सरफेस पे ये लाइट रे आई, ये लाइट रे सेकंड सरफेस पे आई, यहां कहीं सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये नॉर्मल हो गया एंड ये डिस्टेंस हो गया आर टू, करेक्ट। अब फर्स्ट सरफेस से पहले एक इमेज बन चुकी है आई वन, वो इमेज अब सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। तो दिस विल बिकम ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस की जो इमेज थी वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट हो गया एंड देन यहाँ पे फर्दर बेंडिंग होगी तो ये एक इमेज बनेगी सेकेंड सरफेस की। ये डिस्टेंस वी हो गया और ये डिस्टेंस यू हो गया, है ना। दिस इज यू फॉर द सेकेंड सरफेस, राइट। तो अब फॉर्मूले में अब रिफ्रैक्शन किधर से किधर है? पहले म्यू एस से म्यू एल में था, अब म्यू एल से म्यू एस में है। तो यहां पे माइनस म्यू एस की जगह क्या होगा? म्यू एल। U, U अब किस सेकेंड सर्फेस के लिए क्या है? V1, तो दिस विल बी V1 प्लस, ये म्यू एल है तो ये म्यू एस होगा और इमेज डिस्टेंस क्या है सेकेंड सर्फेस के लिए? V, एंड दिस इज क्योंकि इन्वर्ट हो गए तो म्यू एस माइनस म्यू एल अपॉन सेकेंड सर्फेस का रेडियस हो गया R2। तो इस तरह से लाइट नहीं जाएगी, लाइट जाती हुई दिखाई देगी। ओके जब फर्स्ट सरफेस से लाइट जा रही है ना, वो अगर सेकंड सरफेस नहीं होगी तो वहां पे जाएगी, तो वो वर्चुअल होता है, रियल में नहीं होता। जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस यूज करते हैं तो सेकंड सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट ना करके वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। अभी हो गया ये? अरे ये नोट नहीं करने, समझ लो भाई, समझाने के लिए क्या, मैं कंफ्यूज हो जाओगे बाद में देखोगे तो। अभी तो मैं समझा रहा हूं तो इसलिए समझ में आ रहा है, बाद में इतनी सारी लाइनें देख के पावड़े हो जाओगे, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है।
इसलिए नोट मत करो, वापस आते हैं यहाँ पे। वो जो तुमने बोला समझ नहीं आ रहा था, मैं समझा रहा था। एल फॉर कंफ्यूज, म्यू फॉर कंफ्यूज, राइट। नाउ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसमें से वी वन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, बचेगा माइनस म्यू एस अपॉन यू प्लस म्यू एस अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। देन इसमें से म्यू एस कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। एंड ये वन बाई वी माइनस वन बाई यू क्या होता है लेंस में? वन बाई एफ, ठीक है। बट वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, सो वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल म्यू एस माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसके नोट्स लिखने हैं कुछ, दीज आर रिलेटेड टू लेंस मेकर फॉर्मूलाज, है ना, उसको यूज करने के लिए बहुत सारे हैं, मुझे भी नहीं पता कितने पॉइंट्स में कन्वर्ट होगा। वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये एक पार्ट है इस फॉर्मूले का, है ना, इस फॉर्मूले का एक पार्ट है जो किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ लेंस, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ लेंस पे। तो इज कॉन्वेक्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव। अब नहीं हंसा तू, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स नेगेटिव फॉर कॉनकेव। वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू इज कॉन इज, देख मैंने तुम्हारे चक्कर में उल्टा लिख दिया, इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है, इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव। राइट, अब जब भी कैलकुलेट करोगे कॉन्वेक्स के लिए ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, कॉनकेव के लिए वो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स तुम कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, म्यू एल बाई म्यू एस माइनस वन, ये दूसरा पार्ट है फॉर्मूले का, इज पॉजिटिव when mu l greater than mu s and negative when mu l less than mu s। Third, f is positive for convex and negative, sorry, f is positive for converging
एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग. कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव, राइट? फोर्थ, फ्रॉम अबाउट थ्री इन तीनों पॉइंट्स से क्या कंक्लूड होता है? ए, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग व्हेन म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस. क्योंकि जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस है तो ये भी पॉजिटिव है और कॉन्वेक्स है तो ये भी पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? बट दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा. दोनों पॉजिटिव हैं तो कन्वर्जिंग, दोनों नेगेटिव हैं तो भी कन्वर्जिंग, राइट? बी, कॉन्वेक्स लेंस is diverging when mu l less than mu s. क्योंकि mu l less than mu s हो गया तो ये पार्ट नेगेटिव हो गया, ये पार्ट पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या हो गई? नेगेटिव. तो एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है. इट डिपेंड ऑन कौन से मीडियम में वो प्लेस्ड है. ऑब्वियसली हवा में है तो कन्वर्जिंग होगा, लेकिन अगर हम कैसे किसी मीडियम में चले जाएं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगा. सी, कॉनकेव लेंस इज क्योंकि वो कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए, नेगेटिव होता है कॉनकेव के लिए. तो हम तो कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे ना. सिमिलरली कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग कब होगा? जब दोनों नेगेटिव होंगे. कॉनकेव में पहला पार्ट तो नेगेटिव होता ही है. सेकंड पार्ट नेगेटिव कब होगा? जब म्यू एल म्यू एस से कम होगा. व्हेन म्यू एल लेस देन म्यू एस. और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस होगा. तो इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है. कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी हो सकता है, राइट? नाउ लास्ट पॉइंट, फिफ्थ. In general, focal length of a lens, koi sa bhi ho, increase with increase of mu s. राइट, लाइक लेंस जिस मीडियम में है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से फोकल लेंथ बढ़ जाती है. अगर हम लेंस को एयर की जगह पानी में यूज़ करें तो फोर टाइम्स हो जाती है. लाइक अगर एयर में 50 सेंटीमीटर है तो वाटर में उसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर हो जाएगी, फोर टाइम्स हो जाएगी. वो अभी तुम क्वेश्चंस करोगे तो उसमें अपने आप पता चलेगा. तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती है म्यू एस इंक्रीज होने से टिल म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एल. यानी आप बढ़ाते जाओगे सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर, तो कब तक फोकल लेंथ बढ़ेगी? जब तक वो दोनों इक्वल ना हो जाए. फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट
एट म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एम, यानी वोकल लेंथ बढ़ती जाएगी एंड फाइनली कहाँ तक पहुँचेगी, इन्फिनिटी तक. कब? जब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएंगे, राइट? बियॉन्ड दिस फोकल लेंथ डिक्रीज, यानी अगर उससे बढ़ा देंगे तो फिर फोकल लेंथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, बट नेचर ऑफ लेंस विल रिफर्स. नेचर ऑफ लेंस उल्टा हो जाएगा, यानी कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगा और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग बन जाएगा. नेचर ऑफ लेंस विल रिवर्स, दैट इज कन्वर्जिंग टू डाइवर्जिंग एंड वाइस वर्सा. ठीक है, done.